Swayam Prabha Digital India Educated India Namaskar मैं डॉक्टर दिग्विजय सिंह सहायक प्राध्यापक विधि एवं शासन प्रणाली पीठ दक्षिण बिहार केंद्र विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम का शीर्षक है श्रम एवं औद्योगिक विधि भाग वन और इस पाठ्यक्रम में आज हम एक, एक, एक व्याख्यान के साथ प्रस्तुत हैं जिसका शीर्षक है स्थायी आदेशों की संकल्पना और प्रकृति इस व्याख्यान में हम स्थायी तो आदेश की पृष्ठभूमि को जानने का प्रयास करेंगे किस किस पृष्ठभूमि के तहत स्थाई आदेश की संकल्पना का विकास हुआ है इसके साथ ही साथ हम स्थाई आदेश की संकल्पना को आज आधुनिक संदर्भ में समझने का प्रयास करेंगे और वर्तमान समय में आधुनिक समय में भारत में स्थाई आदेशों की संकल्पना संबंधित कौन से प्रावधान हैं साथ ही साथ हम स्थाई आदेश के अर्थ को भी समझने का प्रयास करेंगे और हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि स्थाई आदेश क्यों बनाया जाता है या स्थाई आदेश क्यों बनाना आवश्यक है इसके साथ ही साथ हम स्थाई आदेश की प्रकृति को जानने का प्रयास करेंगे और और उसके बाद स्थाई आदेश की के, के उद्देश्य और इसकी व्यापकता को समझने का प्रयास करेंगे और अंत में स्थायी आदेश को तैयार किए जाने और इसे प्रस्तुत करने की प्रक्रिया और और इसके प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को समझने का हम प्रयास करेंगे स्थायी आदेश पृष्ठभूमि हम सभी जानते हैं कि उद्योग में दो ऐसे समूह एक साथ आते हैं और मिलकर के उत्पादन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं जिनका हित एक दूसरे के विपरीत होता है और और उद्योगों में नियोक्ता के द्वारा पूंजी का निवेश किया गया है और वह नियोक्ता एक प्रभुत्व की स्थिति में होता है और उद्योग से संबंधित सारी भी नी सारी नीतियों का 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 आ, आ, बनाया जाना या फिर नियमों और शर्तों का अधरूपित किया जाना सामान्यतः नियोक्ता के द्वारा ही निर्णित किया जाता है अब ऐसे में अगर नियोक्ता एक प्रभुत्व संपन्न पक्षकार है और उसके द्वारा सारे निर्णय लिए जा रहे हैं नीतियाँ बनाई जा रही हैं नियमें अधिरोपित किए जा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में एक सामान्य सी दशा यह हो सकती है कि नियोक्ता केवल और केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने हितों की संरक्षा के लिए वह नीतियां बनाएगा और निर्णय लेगा ऐसी स्थिति में सामान्यतः होता है और जैसा हो चुका है पूर्व में क्योंकि लेजिस्र स्टेट के दौरान जब राज्य को हस्तक्षेप करने का प्राधिकार नहीं था और अहस्तक्षेप की नीति चलती थी आर्थिक मामलों में तो वहाँ पर नियोक्ता के द्वारा विभिन्न ऐसी नियमों का संचालन किया जाता था ऐसी प्रथाओं का अनुसरण किया जाता था जो कर्मचारियों और उनके संगठनों के लिए एक अविधिक या फिर अव्यवहारिक हो जाती थी ऐसी स्थिति में यह जानना कि क्या स्थायी आदेश की संकल्पना उस समस्या के निदान के रूप में हमें कोई कोई एक मार्गदर्शन दे सकता है या नहीं दे सकता है हम सभी जानते हैं कि औद्योगिक नियोजन में जो आधुनिक अवधारणा है उस अवधारणा में रोजगार की शर्तें सेवा की शर्तें और अनुशासन के नियम नियोक्ता के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं सामान्यतः यह भी कहा जाता है कि एक उद्योग में प्रजातांत्रिक मूल्यों का पालन किया जाना चाहिए अर्थात निर्णय लेने की प्रक्रिया में कर्मचारियों को भी शामिल किया जाना चाहिए लेकिन सामान्यतः ऐसा होता नहीं है या पूर्व में ऐसा हुआ नहीं है चूँकि नियोक्ता का प्रभुत्व होता है तो नियोक्ता सारे मामलों को खुद ही निर्णित करता है वहाँ पर कर्मचारियों के भागीदारी की कोई बात नहीं होती है ऐसे में अगर नियोक्ता ने नियमों का निर्माण किया और उस नियमों को लागू करके अपने कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई कर रहा है तो यहाँ पर एक समस्या यह उत्पन्न होती है जिस कि क्या नियोक्ता ने ऐसी नीतियों के निर्माण के बाद उन नीतियों की उस नियमों की सूचना अपने कर्मचारियों को दिया था या नहीं दिया था तो नियमों का बनाया जाना और उन नियमों की सूचना दी जानी दो अलग अलग बात है तो जहां तक नियमों के बनाए जाने की बात है तो सामान्यतः हम ये मानते हैं कि आधुनिक समय में नियमों को बनाए नियमों के बनाए जाने में नियोक्ता और, और कर्मचारी दोनों भागीदारी करेंगे और इस तरह से एक औद्योगिक लोकतंत्र को स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा अगर इस औद्योगिक लोकतंत्र को नहीं स्थापित किया जा रहा है अगर नियमों का निर्माण केवल और केवल नियुक्ता के द्वारा किया जा रहा है नियोक्ता अकेले ही नियमों का निर्माण कर रहा है तो ऐसे में एक दूसरा प्रश्न उठता है कि क्या ऐसे नियमों का निर्माण करने के बाद इस नियमों की सूचना कर्मचारियों को दी गई थी या नहीं दी गई थी अगर उद्योगों में हम कर्म कर्मगारों की बात करें वर्कमैन की बात करें तो वह एक ऐसा समूह है जो बहुत ही अशिक्षित समूह है अगर ऐसे समूह के ऊपर एक आप नियम अधिरूपित करना चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि यह समूह उन नियमों के हिसाब से नियोजन के दौरान अपने उद्योग में कार्य करें या अपनी सेवाओं का निर्वहन करें तो ऐसे में इन नियमों का उन कर्मचारियों तक उन उन कामगारों तक सूचना जाना सूचित होना बहुत आवश्यक है अगर किसी नियम का निर्माण किया जाता है और उस नियम के तहत कोई कार्यवाही कोई किसी कार्यवाही पर अंकुश लगाई जाती है और उस नियम की सूचना कर्मचारियों को नहीं दी जाती है और बाद में उस उसके आधार पर कि इस नियम का पालन नहीं हुआ है उस कर्मचारी के अगें कोई उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही की जाती है तो यह बहुत ही अनुचित होगा कि आपने उस कर्मचारी को सूचना नहीं दी और उसके बाद उसको दंडित भी करने के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं तो ऐसे में नियमों की सूचना कर्मचारियों को हो यह बहुत ही आवश्यक है और इसी संदर्भ में भारत में स्वतंत्रता से पूर्व जब जब ब्रिटिश राज हुआ करता था उस दौरान श्रम जांच समिति रिपोर्ट सबमिट की गई थी और और 1946 में जब ये रिपोर्ट सबमिट की गई थो, तो इस रिपोर्ट ने दो तीन बात बातों पर बहुत ही गंभीर रूप से चर्चा की उसमें एक बात यह थी कि सेवा के नियम निश्चित किए जाने चाहिए जिन नियमों के आधार पर कर्मचारियों को अपनी सेवा प्रदान करनी है उन नियमों का निश्चित किया जाना बहुत आवश्यक है इस नियमों के निश्चित किए जाने से नियमों में स्पष्टता आएगी और साथ ही साथ नियमों का पालन भी हो पाएगा इस अनुशंसा के साथ इस श्रम जांच समिति ने 1946 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी इसके साथ ही इस साथ इस रिपोर्ट में श्रम जांच समिति ने यह भी कहा कि नियम नियोक्ताओं की सुविधा के अनुकूल होते हैं सामान्यतः जैसा मैंने पूर्व में कहा कि ये जो नियम है नियम सामान्यतः नियोक्ता के द्वारा बनाए जाते हैं नियोक्ता के द्वारा क्यों बनाए जाते हैं क्योंकि नियोक्ता का उस उद्योग में प्रभुत्व होता है तो ऐसे में जो नियोक्ता नियम बनाता है यह नियम सामान्यतः नियोक्ता के हितों के अनुकूल होता है अर्थात नियम बनाते समय नियोक्ता कर्मचारियों के हितों पर ध्यान नहीं देता या उनके हितों को नज़रअंदाज करता है इसके साथ ही साथ श्रम जांच समिति ने यह भी रिपोर्ट सबमिट की यह भी बात कही कि, कि कर्मचारियों की सेवा की शर्तें एक समान नहीं है विभिन्न प्रकार के उद्योगों में यहाँ तक कि समान उद्योगों के विभिन्न विभिन्न प्रतिष्ठानों में अलग अलग सेवा के नियमों का पालन किया जा रहा है तो यहाँ पर जो नियमों का बनाया जाना है उसमें भी एक समानता हो एक स्वरूपता हो इसकी भी आवश्यकता है इस तरह से इस इस समिति ने मूलभूत रूप से दो बातों पर ध्यान दिया एक कि नियम को निश्चित किया जाए नियम को लिखित रूप में बनाया जाए वह निश्चित हो वह सुस्पष्ट हो जिसके जिससे कि उसकी पालन में आसानी हो उसको पालन किया जा सके और दूसरा कर्मचारियों की जो सेवाएं हैं उसको एक समान बनाया जाए कहीं ऐसा ना हो कि एक ही कार्यविधि को इस किसी एक उद्योग में अनुचित माना गया है किसी दूसरे उद्योग में अनुचित नहीं माना गया है उचित माना गया है तो ऐसे में कर्मगारों के लिए एक कठिनाई पैदा होगी क्योंकि वह एक ऐसा ग्रुप है जिन्होंने नियमों जिन्हें नियमों की सूचना बहुत नहीं है इसी संदर्भ में नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच भेदभाव पूर्ण व्यवहार भी शुरू हो जाते हैं जब नियोक्ता नियमों को नियमों की सूचना अपने कर्मचारियों को नहीं देता है और कर्मचारी बिना उस सूचना के जो कार्रवाई करते हैं जो अपनी सेवा के नियमों का पालन करते हैं उसमें नियोक्ता के द्वारा कमी निकाली जाती है या फिर नियोक्ता के द्वारा कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है तो इसके आधार पर नियोक्ता और कर्मचारी के बीच में एक भेदभाव पूर्ण व्यवहार शुरू हो जाता है इसके साथ ही साथ श्रमिकों और कर्मचारियों और उद्योग के हितों के लिए हानिकारक है एक तरफ श्रमिक और कर्मचारी हैं दूसरी तरफ नियुक्ता है इन दोनों के हितों के लिए यह हानिकारक है और हमेशा हानिकारक होगा कि सेवा की शर्तों को नियमों को निश्चित नहीं किया गया है या फिर एक रूपता के साथ बनाया नहीं गया है इसके परिणाम स्वरूप अगर अगर सेवा की शर्तें स्पष्ट नहीं हैं निश्चित नहीं की गई हैं या फिर सेवा की शर्तों में एक रूपता नहीं है तो इसके परिणाम स्वरूप किसी भी उद्योग में अनावश्यक औद्योगिक मतभेद या फिर विवाद उत्पन्न हो सकता अगर हम देखें तो उद्योगों में एक औद्योगिक संघर्ष शुरू हो सकता है अगर सेवा की शर्तें स्पष्ट और, और परिभाषित नहीं हैं और हम सभी जानते हैं कि इन सेवा की शर्तों के स्पष्ट होने से अगर औद्योगिक संघर्ष कम होगा औद्योगिक विवाद कम होगा तो ऐसे उद्योग में एक औद्योगिक शांति का माहौल होगा और अगर औद्योगिक शांति का माहौल होगा तो उत्पादन भी सुनिश्चित होगा तो इस तरह से जिस उद्देश्य के लिए एक उद्योग स्थापित किया गया है उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नियमों का सुस्पष्ट होना नियमों का सुनिश्चित होना बहुत ही आवश्यक है हम ये भी जानते हैं कि स्थायी आदेश का उद्देश्य प्रबंध और श्रमिकों के बीच जो संघर्ष है उसको कम करना है संघर्ष को कम करने का भी उद्देश्य यहाँ पर स्थायी आदेश का है अगर नियमों को निश्चित किया जाएगा नियमों की प्रॉपर सूचना दी जाएगी तो ऐसे में कर्मचारी उन नियमों का पालन करने में सक्षम होगा और जब नियमों का पालन किया जाएगा तो उस उद्योग में औद्योगिक संघर्ष कम होंगे स्थायी आदेश की संकल्पना स्थाई आदेश की संकल्पना सामाजिक न्याय की अवधारणा पर आधारित है स्थायी आदेश की संकल्पना उन कर्मचारियों के लिए एक सामाजिक न्याय की अवधारणा है जिन्हें नियमों की सूचना दिए बिना ही नियमों के उल्लंघन के लिए दोषी ठहराया जाता है अगर ऐसी स्थिति में कर्मचारियों को नियमों की सूचना दिए बिना ही उन्हें दंडित किया जाता है या उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है तो यह सरासर उनके साथ अन्याय होगा इसके साथ ही साथ रोजगार की शर्तों सेवा की शर्तों और अनुशासन के नियम उचित निष्पक्ष और एक समान होने चाहिए अब यहाँ पर एक शब्द जो आ रहा है वो निष्पक्ष है निष्पक्ष से तात्पर्य जब भी नियम बनाए जाएंगे जब भी स्थाई आदेश में नियम बनाए जाएं तो वो नियम न तो नियोक्ता के पक्ष में हो न तो कर्मचारी के पक्ष में हो आवश्यकता यह है कि वह नियम दोनों को समान रूप से देखे और दोनों पर समान रूप से लागू हो अर्थात स्थाई आदेशों के लिए उन नियमों के लिए नियोक्ता और कर्मचारी बराबर हैं किसी एक के हित को नज़रअंदाज करके या फिर किसी एक एक के हित को संरक्षित करके उस उद्योग में औद्योगिक शांति स्थापित नहीं की जा सकती इसके लिए ऐसे नियमों का निष्पक्ष होना बहुत आवश्यक है और अगर नियम निष्पक्ष होंगे तो ऐसे में औद्योगिक संघर्ष का औद्योगिक विवाद का औद्योगिक मतभेद की जो स्थिति है वो कम होगी और औद्योगिक शांति पड़ेगी इसके बाद प्रबंध को रोजगार एवं सेवा की शर्तों और अनुशासन के नियम को परिभाषित करना चाहिए सामान्यतः यह ज़िम्मेदारी प्रबंधन का होता है नियोक्ता का होता है उसके मैनेजमेंट का होता है कि वह अपने उद्योग में सेवा की जो शर्तें हैं रोजगार की जो शर्तें हैं उस सेवा की शर्तों को और रोजगार की शर्तों को परिभाषित करे अगर कोई कोई आ, आ, नियोक्ता अपने उद्योग में सेवा की शर्तों को या फिर रोजगार की शर्तों को परिभाषित नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर स्पष्टता नहीं होगी और वहाँ पर नियोक्ता के द्वारा उसके प्रबंधन के द्वारा एक मनमाना रवैया अपनाया जा सकता है ऐसी स्थिति से बचने के लिए आवश्यकता यह है कि नियोक्ता अपने उद्योग में नियमों को परिभाषित करे इसके बाद जो तृतीय सॉरी इसके बाद जो त्रिपक्षीय श्रम आयोग आ, का सम्मेलन हुआ था 1945 में त्रिपक्षीय श्रम सम्मेलन 1945 में स्थाई आदेशों के लिए नियमों के बनाए जाने के लिए अलग से एक अधिनियम बनाने के लिए सहमति दी इस त्रिपक्षीय श्रम सम्मेलन का एक एक यह निष्कर्ष था कि स्थायी आदेशों को बनाने के लिए नियमों को परिभाषित करने के लिए नियोक्ता के ऊपर एक एक बाध्यकारी दायित्व अधिरूपित करने के लिए एक नए अधिनियम का बनाया जाना आवश्यक है इसी आलोक में भारत ने स्वतंत्रता से पूर्व उन्नीस में औद्योगिक रोजगार स्थाई आदेश अधिनियम 1946 बनाया गया था और आज भी यह अधिनियम भारत में लागू है आज भी सारे उद्योगों को अपने उद्योग के लिए जो स्थाई आदेश का निर्माण करना है जो नियमों को परिभाषित करना है वह इस अधिनियम के तहत ही करना है लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी जानना चाहिए कि औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के आने के बाद यह संहिता भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हो चुकी है और इसको गजट में प्रकाशित भी किया जा चुका है लेकिन अभी इस संहिता को लागू नहीं किया गया है इस संहिता के लागू होने के बाद जो औद्योगिक रोजगार स्थाई आदेश अधिनियम 1946 है वह औद्योगिक संबंध संहिता 2020 का भाग बन जाएगा और औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम स्वतः ही समाप्त हो जाएगा इस इस अधिनियम में 1946 में इस अधिनियम में नियोक्ता की विभिन्न शर्तों को पेश करने की शक्ति पर अंकुश लगा दिया अर्थात इस अधिनियम के आने के बाद नियोक्ता जब भी अपने नियोजन के लिए रोजगार की शर्तों और सेवा के शर्तों को बनाएगा उसको परिभाषित करेगा तो उसको बनाए जाने और परिभाषित करने के लिए जो विषय वस्तु और उसकी जो प्रक्रिया इस अधिनियम में दी गई है और इस अधिनियम में एक विशिष्ट प्राधिकारी नियुक्त किया गया है जिसके प्रमाणीकरण के बाद ही वह स्थायी आदेश लागू होगा तो यहाँ पर उस स्थायी आदेश की युक्त युक्तता को सुनिश्चित करने के उसकी निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर इस इस स्थाई आदेश के प्रमाणीकरण की भी आवश्यकता है अगर प्रमाणीकरण अधिकारी को कोई आक्षेप है उसे कोई विरोध है तो ऐसी स्थिति में स्थाई आदेश प्रमाणित नहीं किया जाएगा और और वो स्थाई आदेश लागू नहीं होगा उन उन अव्यवहारिक नियमों को या फिर पक्षपातपूर्ण नियमों को बदलना होगा तभी स्थाई आदेश लागू हो पाएगा इस तरह से हम देखते हैं कि 1946 में रोजगार औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम 1946 के आने के बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन औद्योगिक क्षेत्र में भारत में देखने को मिलता है और यह आ, परिवर्तन यह है कि नियोक्ता के द्वारा अपने रोजगार के नियमों का या सेवा के नियमों और शर्तों का परिभाषित किया जाना और केवल परिभाषित नहीं किया जाना बल्कि उन शर्तों को उन 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 नियमों को एक डॉ एक दस्तावेज के रूप में प्रमाणीकरण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और उसके प्रमाणीकरण के बाद उसको लागू किया जाएगा अर्थात इस विधि के माध्यम से नियुक्ता के जो अधिकार है जिसके माध्यम से वह अपने नियोजन में रोजगार की शर्तों और सेवा के नियमों को बनाता है उसके इस अधिकार पर एक नियंत्रण लगाया गया है और हर वह नियम हर वो शर्त जो युक्तियुक्त युक्त नहीं है जो पक्षपातपूर्ण है ऐसी शर्तों को मना किया जाएगा ऐसी शर्तों को लागू नहीं किया जाएगा और इस तरह से राज्य ने यहाँ पर हस्तक्षेप करके कर्मचारियों के हितों को संरक्षित करने का प्रयास किया है रोजगार की शर्तों को पर परिभाषित करने में कामगार की सामूहिक भूमिका होनी चाहिए इस इस भूमिका को सुनिश्चित करने के लिए 1946 के अधिनियम में प्रावधान दिया गया है कि जब भी कोई स्थायी आदेश का प्रारूप तैयार किया जाएगा तो इस प्रारूप को प्रमाणीकरण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और साथ ही साथ जो ट्रेड यूनियन है उसको भी सबमिट किया जाएगा अगर उसको कोई ऑब्जेक्शन है उसको कोई आपत्ति है तो प्रमाणीकरण अधिकारी के समक्ष वह अपना आपत्ति दर्ज करा सकता है और अगर उसकी आपत्ति युक्तियुक्त है तो वहाँ पर ऐसे नियमों को बदला भी जा सकता है ऐसे नियमों को हटाया भी जा सकता है तो इस तरह से नियम बनाने के इस इस आवश्यकता को परिभाषित करने के लिए और और स्पष्ट शब्दों में स्पष्ट रूप से नियम बनाने के लिए नियुक्ता पर एक जिम्मेदारी अधिरोपित की गई और साथ ही साथ जो कर्मचारी हैं जो उनका ट्रेड यूनियन है उनको एक एक अवसर दे दिया गया कि जब भी नियुक्ता के द्वारा ऐसा कोई नियम बनाया जाएगा तो उनके पास ये अधिकार होगा कि उसकी युक्तियुक्तता युक्तता को वो चुनौती दे सके अर्थात अब आज आधुनिक समय में भारत में अगर कोई स्थायी आदेश बनाया जाएगा अर्थात नियुक्ता के द्वारा कोई सेवा की शर्तें या फिर रोजगार के नियमों का बनाया जाना है तो ऐसी सेवा की शर्तें या फिर रोजगार की शर्तों को नियोक्ता और कर्मचारियों के सहयोग से ही बनाया जा सकेगा नियोक्ता अकेले इन सेवा की शर्तों और नियमों को नहीं बना सकता इसके साथ ही साथ हम ये जानते हैं जैसा हमने अभी चर्चा भी किया जो रोजगार की शर्तें होंगी ये शर्तें एक अर्ध न्यायिक प्राधिकारी के जांच के अधीन होंगी अर्थात जब भी नियोक्ता के द्वारा कोई सेवा की शर्त या फिर रोज़गार के नियम बनाए जाएंगे तो ऐसी शर्तों को एक प्राधिकारी के द्वारा परीक्षित किया जाएगा और अगर वो प्राधिकारी उसको युक्त युक्त मानता है उसको निष्पक्ष मानता है जो निष्पक्ष सॉरी उसको अगर निष्पक्ष मानता है तभी वह उसको लागू कर पाएगा इसके साथ ही साथ यह जो नियम बनाए जाएंगे इस नियम को निष्पक्षता की कसौटी और तार्किकता की कसौटी पर आधारित होना चाहिए अर्थात जो भी नियम बनाए जाएंगे सर्वप्रथम वो नियम निष्पक्ष होने चाहिए अर्थात नियोक्ता कोई ऐसा नियम नहीं बना सकता जो केवल और केवल नियोक्ता के हितों को ध्यान में रखता है नियोक्ता को अब एक ऐसा नियम बनाना पड़ेगा जो निष्पक्ष हो अर्थात वह नियोक्ता के खुद के हितों के लिए और कर्मचारियों के हितों के लिए समान रूप से लाभदायक हो इसके साथ ही साथ जब भी ऐसा कोई नियम बनाया जाएगा तो उस नियम को बहुत ही तार्किक होना चाहिए तार्किक का तात्पर्य यहाँ पर है कि यहाँ पर नियोक्ता को मनमाना नियम बनाने का अधिकार नहीं है वह नियम तार्किकता की कसौटी पर भी आधारित होना चाहिए हम सभी जानते हैं कि औद्योगिक और श्रम विधि में श्रमिकों के कर्मचारियों के कर्मगारों के विभिन्न अधिकारों को मान्यता प्राप्त है और असम्भवतः यह कहा जाता है कि, कि प्रथम दृष्टया औद्योगिक और श्रम विधि का उद्देश्य इन कर्मचारियों कर्मगारों और श्रमिकों के हितों की सुरक्षा करना है इसी के लिए राज्य का हस्तक्षेप होता है और राज्य के हस्तक्षेप के माध्यम से विधियाँ बनती हैं और विधियों के माध्यम से इसको विनियमित किया जाता है रोजगार एवं सेवा की शर्तें और अनुशासन के नियम मॉडल स्थाई आदेश के अनुरूप हों आज जब हम औद्योगिक रोजगार स्थाई आदेश अधिनियम की बात करते हैं तो औद्योगिक रोजगार स्थाई अधिनियम में ढेर सारी विषय वस्तुओं को सम्मिलित किया गया है और एक मॉडल स्थाई आदेश बनाया गया है मॉडल स्थाई आदेश बनाया गया है और अगर किसी नियोक्ता के द्वारा बनाया गया स्थाई आदेश स्थाई आदेश यहाँ पर उन नियमों का समुच्चय है जो सेवा की शर्तों और रोजगार के नियमों से संबंधित हैं तो उस स्थाई आदेश को उस मॉडल स्थाई आदेश के अनुरूप होना चाहिए अर्थात उसे आ, 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 एक एक नियम के तहत होना चाहिए और अन्यथा उसे अविधिक उस, माना जाएगा इसके साथ ही साथ जो प्रमाणन अधिकारी है जो एक अर्ध न्यायिक अधिकारी है वो स्थायी आदेशों की निष्पक्षता और तर्कसंगता को जांच करेगा उस पर निर्णय लेगा अर्थात ऐसे नियमों को बनाए जाने के बाद उस नियमों को प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और वह प्राधिकारी जिसे कि सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया है उन नियमों की तर्कसंगतता और निष्पक्षता की जांच करेगा और एक बार उस नियमों को प्रमाणित किए जाने के बाद ही वह नियम लागू होंगे स्थाई आदेश का अर्थ सामान्य शब्दों में स्थाई आदेश से तात्पर्य ऐसे नियमों और शर्तों का समुच्चय है जिसको नियोक्ता के द्वारा अपने नियोजन में रोजगार की शर्तों और सेवा की शर्तों को विनिमित करने के लिए बनाया गया है तो एक तरह से जो स्थायी आदेश है यह नियमों का समुच्चय है अब यहां पर प्रश्न यह उठता है कि इस नियमों का समुच्चय की विषय वस्तु क्या है अगर हम परिभाषा देखें औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम उन्नीस की धारा टू जी में स्थायी आदेश को यहाँ पर औद्योगिक रोजगार स्थाई आदेश अधिनियम उन्नीस सौ छियालीस की धारा टू जी में परिभाषित किया गया है और इसका सामान्य से तात्पर्य है स्थायी आदेश का अर्थ अनुसूची में निर्धारित मामलों से संबंधित है अर्थात स्थायी आदेश में उन मामलों से संबंधित नियम होने चाहिए जो इस अधिनियम की अनुसूची में दी गई है तो अब हमें स्थाई आदेश की विषय वस्तु जानने के लिए हमें इस इस अधिनियम की अनुसूची को जानना आवश्यक है और हम उसी अनुसूची की यहाँ पर विस्तृत चर्चा करेंगे स्थायी आदेश का अर्थ निम्नलिखित मामलों से संबंधित है अगर हम स्थाई आदेश की विषय वस्तु जानने का प्रयास करें उनके नियमों को जानने का प्रयास करें तो ये निम्नलिखित विषय वस्तु से संबंधित हो सकते हैं इसमें पहला है श्रमिकों का वर्गीकरण स्थाई आदेश का जो नियम होगा उस नियम में श्रमिकों के वर्गीकरण से संबंधित नियम होने चाहिए क्योंकि उस वर्गीकरण के आधार पर ही श्रमिकों के अधिकारों को उनके हितों को उनके विशेषाधिकारों को परिभाषित किया जाएगा तो ऐसे में अगर तार्किक ढंग से श्रमिकों का वर्गीकरण नहीं किया गया है तब वहाँ पर वो जो आपका स्थायी आदेश होगा वह एक पक्षपातपूर्ण आदेश होगा और ऐसे में उसको चुनौती दी जाएगी तो श्रमिकों का एक युक्त युक्त वर्गीकरण किया जाना बहुत ही आवश्यक है इसके साथ ही साथ स्थाई आदेश में श्रमिकों को कार्य की अवधि और घंटे आदि की सूचना देने का तरीका क्या होगा आज हम सूचना तकनीकी क्षेत्र में हैं आज के जमाने में कर्मचारियों को सूचना देने के लिए ढेर सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज किया जा सकता है उसके माध्यम से उनको सूचना दी जा सकती है लेकिन आवश्यकता यह है कि कर्मचारियों को उनके कार्य के घंटे उनका शिफ्ट कब स्टार्ट होगा कब खत्म होगा उनको कितने समय काम करना है इन सब की सूचना दिया जाना चाहिए और यहाँ पर सूचना देने के साथ ही साथ नियमों में नियोक्ता को यह भी बताना है कि ये सूचना किन माध्यमों से दी जाएंगी सूचना देने का माध्यम क्या होगा सूचना देने का तरीका क्या होगा सूचना देने का तरीका समय के साथ तकनीकी के विकास के साथ बदल सकता है अगर आज हम बात करें तो आज डिजिटल फॉर्म में ये सूचना दी जा सकती है ऐसा एक स्थायी आदेश हो सकता है इसके साथ ही साथ जहां उन उद्योगों में जहां पर शिफ्ट में काम होता है और, और सामान्यतः हर उद्योग में शिफ्ट में काम होता है हम सभी जानते हैं कि जो इंडस्ट्रीज हैं वो 24 फोर आवर्स रन करती हैं और वहाँ पर जो वर्कर्स होते हैं कर्मचारी होते हैं वो शिफ्ट के आधार पर काम करते हैं तो अगर किसी उद्योग में शिफ्ट के आधार पर कर्मचारी द्वारा कार्य किया जा रहा है तो वहाँ शिफ्ट पर काम करने के लिए आप क्या नियम बनाए हैं किस नियम के आधार पर कर्मचारियों का शिफ्ट निर्धारित किया जाएगा क्या कुछ कर्मचारी केवल दिन में काम करें और कुछ कर्मचारी केवल रात में काम करें ये युक्त युक्त होगा ऐसे में आप किस आधार पर किस तरीके से कर्मचारियों का शिफ्ट निर्धारित कर रहे हैं वो तरीका आपको बताना पड़ेगा साथ ही साथ अगर कोई कर्मचारी अपने अपने काम के लिए अपनी सेवा के लिए उद्योग में आ रहा है तो ऐसे में उसकी उपस्थिति का क्या तरीका है और देर से आने पर क्या परिणाम होंगे इन सब नियमों की 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 स्पष्ट व्याख्या और इसकी सूचना कर्मचारियों को दिया जाना बहुत ही आवश्यक है स्थायी आदेश के तहत इसके पश्चात अवकाश स्वीकृत करने की शर्तें एवं प्रक्रिया क्या है अगर कोई कर्मचारी अवकाश के लिए आवेदन देता है छुट्टी के लिए आवेदन देता है तो उस छुट्टी और अवकाश के स्वीकृत करने की क्या प्रक्रिया है और उसकी कैसे सूचना कर्मचारी को दी जाएगी अगर छुट्टी की प्रक्रिया को जटिल बना दिया जाए और और उस प्रक्रिया को न फॉलो करने के कारण कर्मचारी को समय पर छुट्टी की सूचना ना दी जाए उसे छुट्टी ना दी जाए तो उसके साथ बहुत ही आ, बहुत ही अन्यायपूर्ण कार्य होगा आप अगर कर्मचारी के साथ न्याय करना चाहते हैं तो आप कर्मचारी को जो छुट्टी लेने का तरीका है उसको स्पष्ट करें और उसको आसान बनाएं उसके लिए आपको स्थायी आदेश में नियम बनाने पड़ेंगे इसके साथ ही साथ आ, इंडस्ट्री में उद्योग में अगर वर्कर एंटर कर रहे हैं प्रवेश कर रहे हैं तो उस परिसर में किस निश्चित द्वार से उन्हें प्रवेश करना है किस निश्चित द्वार से उन्हें प्रवेश करने की आवश्यकता है और क्या प्रवेश के समय किसी तलाशी आदि की आवश्यकता है उससे संबंधित नियम का आप उल्लेख करें आप स्पष्ट रूप से बताएं कि कर्मचारियों को कर्मगारों को किस निश्चित प्रवेश मार्ग से उद्योग में प्रवेश करना है और उस प्रवेश के उपरांत क्या उनकी कोई तलाशी ली जाएगी नहीं ली जाएगी उसके लिए क्या उपबंध है आप उसको स्पष्ट अर्थों में बताएं इसके साथ ही साथ औद्योगिक प्रतिष्ठान के अनुभागों को बंद करना और रिपोर्टिंग करना अगर किसी उद्योग में ढेर सारे प्रतिष्ठान हैं ढेर सारे अनुभाग हैं और उस अनुभागों को बंद करने की जिम्मेदारी कर्मचारियों को मिला हुआ है तो वो कर्मचारी उन उन अनुभागों को कब बंद करेगा और बंद करने के बाद किसको रिपोर्ट करेगा इसकी भी सूचना उन कर्मचारियों को मिलनी चाहिए साथ ही साथ रोजगार की समाप्ति और इसकी सूचना नियुक्ता और काम करने वालों द्वारा दी जानी चाहिए अगर किसी कर्मचारी के रोजगार की समाप्ति हो रही है तो ऐसी स्थिति में इसकी सूचना नियुक्ता और काम करने वाले नियुक्ता द्वारा काम करने वाले उस कर्मचारी को दी जानी चाहिए इसके साथ ही साथ कदाचार के लिए अगर किसी कर्मचारी का निलंबन किया जाना है तो नियुक्ता की ये जिम्मेदारी है कि वह कदाचार के निलंबन के लिए पहले यह निर्धारित करे कि कौन से कार्य कदाचार की श्रेणी में आते हैं तो कदाचार के लिए निलंबन या बर्खास्तगी तब तक उचित नहीं होगा जब तक कि इसकी सूचना कर्मचारियों को न हो जाए कि कौन से कार्य कदाचार की श्रेणी में आते हैं तो पहले आपको उस कदाचार की गतिविधियों को बताना पड़ेगा इसके पश्चात श्रमिकों के लिए अनुचित व्यवहार के प्रति निवारण के साधन क्या हैं अगर अगर श्रमिकों के प्रति नियोक्ता के द्वारा अनुचित श्रम व्यवहार अपनाया जा रहा है तो ऐसे में श्रमिकों को क्या निवारण प्राप्त है हम सभी जानते हैं और हम लोगों ने देखा भी है कि अपने प्रभुत्व के कारण नियोक्ता कभी कभी अपने उद्योग में एक अनुचित श्रम व्यवहार अपना लेता है और अगर वह अनुचित श्रम व्यवहार अपना लेता है जिससे कर्मचारियों के हितों के प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो ऐसे में कर्मचारियों को उस अनुचित श्रम व्यवहार के विरुद्ध क्या उपचार प्राप्त हैं उसकी भी चर्चा की जानी चाहिए अब आते हैं स्थाई आदेश की प्रकृति स्थायी आदेश की प्रकृति क्या है क्या स्थायी बाधिकारी क्या स्थाई आदेश बाधिकारी है क्या स्थाई आदेश बाध्यकारी नहीं है क्या स्थायी आदेश के न बनाए जाने पर नियोक्ता के ऊपर कोई दायित्व अधिरोपित किया जा सकता है उसके दंडित किया जा सकता है औद्योगिक कानूनों के अंतर्गत स्थायी आदेश का बहुत महत्व है हमने अभी स्पष्ट किया कि स्थायी आदेश के माध्यम से रोजगार की शर्तों और सेवा की शर्तों को विनिमित किया जाता है उसे स्पष्ट किया जाता है उसे युक्तयुक्त रूप से बनाया जाता है और उसे परिभाषित किया जाता है ऐसे में क्या कोई अनुबंध स्थायी आदेशों की शर्तों को खत्म कर सकता है क्या कोई नियोक्ता किसी कर्मचारी के साथ जो नियोजन का अनुबंध है उस नियोजन के अनुबंध से यह उपबंध कर सकता है कि उस नियोक्ता और कर्मचारी के बीच में स्थायी आदेश लागू नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में औद्योगिक रोजगार आ, स्थाई आदेश अधिनियम उन्नीस का प्रावधान यह कहता है कि कोई भी नियोक्ता किसी भी कर्मचारी के साथ ऐसे नियोजन के अनुबंध में प्रवेश नहीं कर सकता है जिसके माध्यम से जिस अनुबंध के माध्यम से वहाँ पर स्थाई आदेश की जो लागू होना है उसको रोका जा रहा हो शुरुआत में आ, इसको लेकर के विभिन्न उच्च न्यायालयों में मतभेद था कुछ न्यायालयों का मानना था कि जो व्यक्तिगत अनुबंध हैं जो व्यक्तिगत नियोजन के अनुबंध हैं नियोक्ता और कर्मचारी के बीच में अगर उसमें कोई शर्त लगाई गई है और उसके तहत स्थाई आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है तो इसमें कोई गलती नहीं है दूसरी तरफ कुछ उच्च न्यायालयों का मानना था कि ऐसी दशा में एक गलती होगी और ऐसे में स्थायी आदेशों का अनुपालन नहीं हो पाएगा तो आ, उच्च न्यायालयों के बीच जो मतभेद था इसको दूर करने के लिए बागलकोट सीमेंट कंपनी लिमिटेड के मामले में यह मामला बागलकोट सीमेंट कंपनी बनाम आर के पाठक के नाम से जाना जाता है और और यह मामला उन्नीस में उच्चतम न्यायालय के द्वारा निर्णय किया गया था इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अधिनियम ने स्थाई आदेश बनाने के लिए प्रासंगिक प्रावधान किया है जो प्रमाणित होने के बाद संबंधित औद्योगिक प्रतिष्ठान और उसके कर्मचारियों के बीच रोजगार की वैधानिक शर्तों का गठन करते हैं अर्थात स्थायी आदेश कर्मचारियों के बीच रोजगार की वैधानिक शर्तों का गठन करते हैं इस शर्तों को व्यक्तिगत अनुबंध के माध्यम से ख़त्म नहीं किया जा सकता इसका तात्पर्य यह भी हुआ कि जो स्थाई आदेश की शर्तें हैं उस शर्तों के विपरीत में जा कर के आपका नियुक्ता कोई ऐसा शर्त अधिरोपित नहीं कर सकता या कोई ऐसा शर्त नहीं बना सकता जिसका उद्देश्य स्थाई आदेश की शर्तों को खत्म करना या उसे निरस्त करना है इस तरह हम देखते हैं कि स्थाई आदेश की जो संकल्पना है यह संकल्पना इस या फिर इसकी जो प्रकृति है उसकी प्रकृति एक बाध्यकारी प्रकृति की है जिन उद्योगों में स्थाई आदेश बनाया जाना मैंडेटरी है बाधिकारी है उन उद्देश्यों में स्थायी आदेश के बनाए जाने के बाद रोजगार की शर्तें और सेवा के नियम केवल और केवल स्थाई आदेश के माध्यम से ही लागू किए जाएंगे केवल इन्हीं का पालन किया जाएगा इसके साथ ही साथ जो औद्योगिक कानूनों के अंतर्गत स्थाई आदेश आ, वैधानिक प्रकृति के हैं और उनका उल्लंघन अधिनियम के तहत दंडनीय है तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि जो स्थायी आदेश हैं वो वैधानिक प्रकृति के हैं और साथ ही साथ ये दंडनीय है। अगर इसका उल्लंघन किया जाएगा तो ये दंडनीय है तो स्थायी आदेशों का उल्लंघन किया जाना दंडनीय होगा और ये नियोक्ता और कर्मचारी दोनों पर बाध्यकारी हैं स्थायी आदेश का तात्पर्य ये नहीं है कि केवल ये नियोक्ता पर ही बाध्यकारी है एक बार स्थायी आदेश बन गया तो उस आई आदेश के अधीन रोजगार के के शर्तों को और सेवा की शर्तों को आ, का पालन करना है कर्मचारी को और उसी स्थायी आदेश के तहत शर्तों का पालन करना है कर्मचारी को अनियोक्ता को तो यह जो स्थायी आदेश बनता है यह स्थाई आदेश नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के ऊपर बाध्यकारी रूप से लागू होता है अगर हम थोड़ा विस्तृत अर्थों में देखें तो यह स्थायी आदेश एक और उद्देश्य पूरा करता है और वह उद्देश्य है औद्योगिक संबंध को बनाए रखना हम सभी जानते हैं औद्योगिक संबंध का सुदृढ़ होना इसका स्वस्थ होना अच्छा होना किसी भी उद्योग की प्रगति के लिए बहुत आवश्यक है अगर किसी उद्योग में औद्योगिक संबंध अच्छा नहीं होगा वहां पर नियुक्ता और कर्मचारी के बीच में कोई मतभेद होगा कोई विवाद होगा तो ऐसी स्थिति में औद्योगिक संबंध प्रभावित होगा और अंततः उस उद्योग में उत्पादन प्रभावित होगा ऐसी स्थिति में जो स्थायी आदेश बनाए जाने की, आ, की जो जो आवश्यकता है इस इस स्थायी आदेश के माध्यम से नियोक्ता और कर्मचारी के बीच का जो संबंध है उस संबंध को विनियमित किया जा सकता है और कह सकते हैं कि स्थाई आदेश औद्योगिक संबंध के बनाए रखने में उसे संरक्षित करने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है स्थाई आदेश का उद्देश्य और इसकी व्यापकता स्थायी आदेश का उद्देश्य औद्योगिक प्रस्थानों में नियोक्ताओं द्वारा निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति है दो तरह की शर्तें हैं यहां पर रोजगार की शर्तों को पर्याप्त सुस्पष्टता के साथ परिभाषित करना और उसके द्वारा नियोजित श्रमिकों को उन शर्तों से अवगत कराना तो अगर ये दो आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तो स्थायी आदेश के उद्देश्य की प्राप्ति होगी और यह उद्देश्य है आ, रोजगार की शर्तों को सेवा की शर्तों को बहुत ही सुस्पष्टता के साथ बनाया जाना परिभाषित किया जाना और साथ ही साथ इसकी सूचना दिया जाना कर्मचारियों को हम सभी जानते हैं कि कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत जिसे नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत कहा जाता है नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के तहत सूचना देने का का एक एक आवश्यकता है सूचना देने की एक आवश्यकता है अगर नियोक्ता के द्वारा कोई नियम बनाया जा रहा है कोई शर्त अधिरोपित की जा रही है तो जब तक इस नियमों की या फिर शर्तों की सूचना कर्मचारियों को नहीं दी जाएगी तब तक कर्मचारी इस स्थिति में नहीं होंगे कि वह उस उसका पालन कर सके तो इन शर्तों को पालन किए जाने में इन शर्तों को, को आ, मानने में इन शर्तों की सूचना हो यह एक पूर्व आवश्यकता है तो औद्योगिक रोजगार स्थाई आदेश अधिनियम की जो यह आवश्यकता है स्थायी आदेश बनाने की यह स्थायी आदेश का बनाया जाना कहीं ना कहीं प्राकृतिक न्याय के नियमों के संदर्भ में भी है इसके माध्यम से कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा की जाती है उन्हें नियमों और शर्तों की उचित सूचना दी जाती है यह प्रत्येक औद्योगिक प्रतिष्ठान पर लागू होता है जिसमें एक या अधिक कर्मचारी कार्यरत है अब अब आ, इसे इस अधिनियम की व्यापकता भी कह सकते हैं या फिर इस अधिनियम की सीमाएं भी कह सकते हैं जो औद्योगिक रोजगार स्थाई आदेश अधिनियम है यह केवल और केवल उसी प्रतिष्ठानों पर उसी उद्योगों पर लागू होता है जहां पर कम से कम सौ कर्मचारी कार्यरत है अगर इस नियमों की इतनी युक्ति युक्तता है या फिर ये नियम इतने महत्वपूर्ण हैं और इन नियमों का औद्योगिक संबंध को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान है तो क्यों न इन नियमों को ऐसे प्रतिष्ठानों पे भी लागू किया जाए जहाँ 10-20-50 कर्मचारी कार्यरत हैं अब अब इसमें कुछ परिवर्तन औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के द्वारा लाया जा रहा है लेकिन वहाँ पर औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के द्वारा इस इस परिवर्तन को आ, दूसरे परिपक्ष में लिया गया है वहाँ पर स्थायी आदेश बनाने की आवश्यकता केवल और केवल उन प्रतिष्ठानों को होगी जिसमें कम से कम 300 कर्मचारी कार्यरत हैं अर्थात उस संहिता के लागू होने के बाद ढेर सारे प्रतिष्ठानों को स्थाई आदेश बनाने की जिम्मेदारी से मुक्ति मिल जाएगी और इस संदर्भ में इस इस औद्योगिक संबंध संहिता को आ, क्रिटिसाइज भी किया जा सकता है कुछ राज्यों का मत है कि उन सभी प्रतिष्ठानों पर स्थायी आदेश को लागू किया जाए जिसमें 50 या अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं जैसा मैंने आपसे कहा कि अगर इस अधिनियम की व्यापकता को बढ़ाना है तो जो रिक्वायरमेंट है जो आवश्यकता है कि यह अधिनियम केवल उसी प्रतिष्ठान पर लागू होगा जहाँ पर सौ या सौ से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं उसको कम करने की आवश्यकता है अगर उसको 50 किया जाता है अगर उसको 25 किया जाता है तो इस अधिनियम की व्यापकता को बढ़ाया जा सकता है इसी संदर्भ में जो भारत में श्रम पर राष्ट्रीय आयोग था जिसने अपनी अनुशंसा भारत सरकार को 2002 में प्रस्तुत की थी उसने कहा था कि उन सभी प्रतिष्ठानों पर औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर स्थायी आदेश को लागू किया जाना चाहिए जहां कम से कम 20 कर्मचारी कार्यरत हैं अगर हम श्रम पर द्वितीय राष्ट्रीय आयोग के अनुशंसा को देखें तो इस अधिनियम की औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम 1946 की व्यापकता को बढ़ाया जा सकता है द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग ने यह अनुशंसित किया था कि इस अधिनियम को हर उन प्रतिष्ठानों पर लागू किया जाए जहां केवल और केवल 20 कर्मचारी कार्यरत हैं अगर ऐसा होता तो इस इस अधिनियम की व्यापकता बहुत बढ़ जाती है इसी के साथ ही साथ हमने जो जो जिक्र किया कि औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के माध्यम से इस प्रावधान को जो प्रावधान है स्थायी आदेश का उन सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर लागू करेंगे जिसमें 300 या 300 से अधिक श्रमिक कार्यरत हैं वहाँ पर धारा अट्ठाइस सब क्लास वन की बात की गई है उपधारा वन की बात की गई है उसमें इसकी जिक्र की गई है इसके साथ ही साथ हम यह भी कह सकते हैं कि जो औद्योगिक संबंध संहिता 2020 है या कहीं ना कहीं जो जो स्थाई आदेश अधिनियम है स्थाई आदेश अधिनियम की व्यापकता को कम करता है स्थाई आदेश की व्यापकता को कम किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर उसे 300 या 300 से अधिक कर्मचारी वाले प्रतिष्ठानों पर लागू करने की बात की जा रही है इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो आ, निष्पक्ष रूप से नियमों को परिभाषित करने का रिक्वायरमेंट है निष्पक्ष रूप से नियमों को बनाए जाने की जो आवश्यकता है और साथ ही साथ उस नियमों की जो उचित सूचना कर्मचारियों को दिए जाने की आवश्यकता है इन दोनों परिपेक्ष में जो औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम है यह एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और और यह अधिनियम औद्योगिक संबंध को सुदृढ़ बनाने में औद्योगिक विवादों और मतभेदों को कम करने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि इन आदेशों के माध्यम से इन नियमों के माध्यम से रोज रोजगार के दौरान नियोक्ता के द्वारा कोई पक्षपात नहीं किया जा सकता नियोक्ता के द्वारा आ, आ, केवल अपने हितों की संरक्षा के लिए कर्मचारियों के हितों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता लेकिन जहां तक इस अधिनियम की व्यापकता की बात है यह व्यापकता एक एक कठिन प्रश्न है इस अधिनियम ने अपनी व्यापकता सुनिश्चित करने के लिए यह बताया कि यह यह अधिनियम केवल और केवल उन प्रतिष्ठानों पर लागू होगा जहां पर सौ या सौ से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं दूसरी तरफ राज्यों का मानना है विभिन्न राज्यों का मानना है कि इस अधिनियम की व्यापकता उन सभी प्रतिष्ठानों पर होगी जहां 50 कर्मचारी कार्यरत हैं अर्थात विभिन्न राज्य इस अधिनियम की व्यापकता को बढ़ाने के पक्ष में हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए 2002 में जब श्रम पर द्वितीय राष्ट्रीय आयोग बना और उसने अपनी अनुशंसा भारतीय सरकार को आ, आ, प्रस्तुत की तो ऐसे में उस द्वितीय श्रम आयोग ने भी इस अधिनियम की व्यापकता को बढ़ाने के संदर्भ में यह अनुशंसा दी कि यह अधिनियम उन सभी प्रतिष्ठानों पर लागू किया जाना चाहिए जहां पर केवल और केवल बीस कर्मचारी कार्यरत हैं अगर आ, श्रम पर द्वितीय राष्ट्रीय आयोग की इस अनुशंसा को माना जाता है और और अधिनियम को इस संदर्भ में लागू किया जाता है तो निश्चित ही स्थायी आदेश की व्यापकता बढ़ेगी और और ढेर सारे प्रतिष्ठानों में उनके नियमों को सुस्पष्ट रूप से परिभाषित करने और साथ ही साथ उपयुक्त रूप से कर्मचारियों को सूचित किए जाने की जो आवश्यकता है उसको पूरा किया जाएगा लेकिन जो वर्तमान समय में परिवर्तन हो रहे हैं ये परिवर्तन बिल्कुल ही विपरीत दिशा में जा रहा है औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के तहत जब धारा आ, 28 और उपधारा एक में इस अस्थाई आदेश के लागू होने की बात हो रही है तो वहाँ पर कहा जा रहा है कि अस्थाई आदेश केवल और केवल उन प्रतिष्ठानों पर लागू होगा जहाँ पर कम से कम 300 कर्मचारी कार्यरत हैं अर्थात जिस दिन ये संहिता लागू होगा उसी दिन से एकाएक ढेर एक सारे प्रतिष्ठानों को स्थायी आदेश बनाने की जिम्मेदारी से या उसको सूचित करने की जिम्मेदारी से मुक्ति मिल जाएगी क्या यह प्रयास एक 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 सफल प्रयास या एक उचित प्रयास माना जाएगा ऐसे में हर वो प्रतिष्ठान जहाँ पर लगभग 300 कर्मचारी कार्यरत हैं लेकिन उनकी संख्या 300 या 300 से अधिक नहीं है ऐसे में वहाँ पर जब स्थायी आदेश नहीं बनाया जाएगा तो वहाँ पर जो नियोक्ता का प्रभुत्व है फिर वही प्रभुत्व वहाँ पर उपयोग में लाया जाएगा और ऐसे नियम बनाए जाएंगे ऐसे ही रोजगार की शर्तों और सेवा के शर्तों को बनाया जाएगा जो नियोक्ता के पक्ष में हो नियोक्ता के हितों को ध्यान में रखता हो ऐसे में इस 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 अधिनियम की व्यापकता को बढ़ाने के लिए आ, जो जो औद्योगिक संबंध संहिता है उसमें ज़रूर संशोधन किया जाना चाहिए और और जो संख्या 300 है उसे 20-25 पर लाया जाना चाहिए स्थायी आदेश तैयार और प्रस्तुत किया जाना जिन प्रतिष्ठानों को स्थायी आदेश बनाना है उनके लिए बाध्यकारी है कि स्थायी आदेश बनाना है वे सभी प्रतिष्ठान उसके नियोक्ता स्थायी आदेश का मसौदा तैयार करेंगे इस अधिनियम में दी हुई अनुसूची के अनुरूप स्थायी आदेश बनाएंगे नियोक्ता अपने मसौदा को तैयार करने के बाद प्रमाणन अधिकारी को स्थायी आदेश की पांच प्रतियां प्रस्तुत करेगा प्रमाणन के लिए तो जिस समय नियुक्ता ने अपना स्थायी आदेश बना लिया स्थायी आदेश बनाने के लिए वो बनाने के बाद वो प्रमाणन अधिकारी के समक्ष उसे प्रस्तुत करेगा प्रमाणन के लिए पाँच प्रतियों में ऐसे मसौदे में अनुसूची में निर्धारित प्रत्येक मामले के लिए प्रावधान किया जाएगा अर्थात नियोक्ता के द्वारा जब भी कोई स्थायी आदेश बनाया जाएगा तो उस स्थायी आदेश में हर वो विषय सम्मिलित होने चाहिए जो इस अधिनियम की अनुसूची में है। स्थाई आदेश तैयार और प्रस्तुत किया जाना है जहाँ पर किसी उद्योग के संदर्भ में कोई मॉडल स्थायी आदेश बनाया गया है निर्धारित किया गया है वहाँ पर उन उद्योगों में नियोक्ता को ऐसे स्थाई आदेश के मॉडल को फॉलो करना पड़ेगा उसके अनुरूप उसे स्थायी आदेश बनाना पड़ेगा औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत श्रमिकों को निर्धारित विवरण देने वाला और साथ ही साथ समान औद्योगिक प्रतिष्ठानों में नियोक्ताओं का एक समूह स्थायी आदेशों का एक संयुक्त मसौदा प्रस्तुत कर सकता है नियोक्ताओं को थोड़ा सा सहयोग करने के लिए अगर एक ही प्रकृति के उद्योग हैं एक ही प्रकृति के नियोक्ता हैं, तो वह नियोक्ता अपने पूरे उद्योग उनके समूहों के लिए एक जैसा मसौदा तैयार कर सकता है और उसे उसी रूप में प्रमाणन मिल सकता है स्थायी आदेशों के प्रमाणीकरण की शर्तें कुछ शर्तें हैं जिस शर्तों को पालित किया जाना का पालन किया जाना बहुत आवश्यक है पहला यह है कि स्थाई आदेश अनुसूची में निर्धारित प्रत्येक मामले के लिए प्रावधान करता है अगर ऐसा कोई भी मामला जो अनुसूची में दिया गया है लेकिन उसे आ, आ, स्थाई आदेश में सम्मिलित नहीं किया गया है तब ऐसा स्थायी आदेश प्रमाणित नहीं किया जाए साथ ही साथ स्थाई आदेश इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अनुरूप होना चाहिए जो भी शर्तें अधिरूपित की गई हैं इस अधिनियम में उसको मानते हुए स्थायी आदेश बनाया जाना चाहिए प्रमाणन अधिकारी जब जब नियोक्ता के द्वारा स्थायी आदेश की पांच प्रतियां उसको प्रस्तुत की जाएंगी तो प्रमाणन अधिकारी उसकी एक प्रति ट्रेड यूनियन को एक नोटिस के साथ भेजेगा अर्थात नियोक्ता के द्वारा बनाए गए स्थायी आदेश पर ट्रेड यूनियन के क्या विचार हैं या फिर ट्रेड यूनियन किन किन शर्तों को युक्त युक्त नहीं मानता है उस पर उसका विचार लेने के लिए प्रमाणन अधिकारी उस उस स्थायी आदेश प्रारूप स्थायी आदेश की एक प्रति उस आ, ट्रेड यूनियन को सूचित करेगा उसे भेजेगा इसके पश्चात जो ट्रेड यूनियन है उसके लिए आवश्यकता है कि वह पंद्रह दिनों के भीतर अपनी आपत्तियां दर्ज करा दें अगर ट्रेड यूनियन को किसी भी शर्त या किसी भी नियम पर आपत्ति है तो ऐसी आपत्ति के विरुद्ध वह अपना आवेदन या अपनी जो जो आपत्तियां हैं वह प्रमाणन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा और प्रमाणन अधिकारी उस आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए आ, उस उस अस्थाई आदेश को आ, उसके अनुरूप बदलने का या उस प्रावधान को हटाने का जैसा भी होगा उसे नियुक्ता को संदर्भित कर सकता है प्रमाणन अधिकारी जब भी किसी स्थायी आदेश के प्रमाणीकरण के लिए आगे बढ़ता है तो यहाँ पर वह प्राकृतिक न्याय के नियमों का पालन करेगा वह नियुक्ता और ट्रेड यूनियन दोनों को सुनवाई का अधिकार देगा सुनवाई के अवसर के बाद प्रमाणन अधिकारी निर्णय लेने के की योग्यता निर्णय लेने की स्थिति में होगा कि नियुक्त द्वारा प्रस्तुत ड्राफ्ट संशोधन करना आवश्यक है या नहीं है अर्थात प्राकृतिक न्याय के नियमों के अनुपालन के बाद ही यह निर्णय लिया जाएगा कि कोई भी स्थायी आदेश उचित है या नहीं है इसके बाद प्रमाणन अधिकारी मसौदा स्थायी आदेश को प्रमाणित करेगा दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद स्थाई आदेश को प्रमाणित किया जाएगा प्रमाणन अधिकारी सात दिनों के भीतर प्रमाणित स्थायी आदेशों के प्रतिया नियोक्ता और ट्रेड यूनियन को भेजेगा तो अब एक जिम्मेदारी प्रमाणित करने वाले अधिकारी के ऊपर भी अधिरोपित की गई है कि जब एक स्थायी आदेश प्रमाणित कर दिया गया है तो ऐसे में उस स्थाई आदेश को सात दिनों के अंदर प्रमाणित होने के सात दिनों के अंदर नियोक्ता और कर्मचारियों को सूचित किया जाए कर्मचारियों के ट्रेड यूनियन को सूचित किया जाए प्रमाणित जो स्थायी आदेश हैं उस आदेश से व्यथित कोई भी नियोक्ता या ट्रेड यूनियन तीस दिनों के भीतर अपीली प्राधिकरण के पास अपील कर सकता है और अपीली प्राधिकरण लिखित आदेश द्वारा या तो प्रमाणन अधिकारी द्वारा प्रमाणित पत्र या उक्त स्थायी आदेश में संशोधन के बाद स्थायी आदेश की पुष्टि करेगा जिसका निर्णय अंतिम होगा तो प्रमाणी करने वाले अधिकारी के ऊपर भी एक अपीलीय अधिकारी है प्राधिकारी है जो अंततः एक एक स्थायी आदेश की जो प्रामाणिकता है उसको वो सुनिश्चित करेगा अंत में हमने यह देखा कि इस व्याख्यान में किस तरह से स्थायी आदेश की संकल्पना विकसित होती है इसमें श्रम सम्मेलन का या फिर और सम्मेलनों का क्या योगदान रहता है कैसे ये संकल्पना विकसित होती है और यह संकल्पना किस तरह से औद्योगिक संबंध को को सुदृढ़ करने में अपनी भूमिका निभाती है और साथ ही साथ उद्योगों में कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा करने के लिए लाभदायक होती है हमने इस इस व्याख्यान में स्थाई आदेश के अर्थ को समझा जिसके लिए आ, औद्योगिक रोजगार स्थायी आदे, 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 स्थायी आदेश अधिनियम उन्नीस के अनुसूची को देखा साथ ही साथ हमने स्थाई आदेश की प्रकृति और इसकी व्यापकता को समझने का प्रयास किया और, और स्थाई आदेश के उद्देश्य को जानने का प्रयास किया इसके बाद हमने स्थाई आदेश को प्रमाणित करने के लिए तैयार और प्रस्तुत करने का तरीका और किसके द्वारा इसको प्रस्तुत किया जाना है किसको इसकी सूचना दी जाएगी ये सारी बातें हमने इस व्याख्यान में देखीं इसके साथ ही साथ हमने स्थायी आदेशों के प्रमाणीकरण के जो विभिन्न शर्तें हैं उस उन शर्तों के बारे में चर्चा की और किन शर्तों के पूरा किए जाने के बाद ही स्थायी आदेश प्रमाणित किया जाएगा नहीं किया जाएगा उसकी हमने चर्चा की हमने यह भी चर्चा की अगर किसी प्रमाणित स्थायी आदेश से कोई पक्षकार पीड़ित है कोई नियोक्ता या फिर ट्रेड यूनियन पीड़ित है तो वह अपील में कहाँ जा सकता है और अपीलीय प्राधिकरण का जो निर्णय होगा वह अंतिम होगा वह मान्य हो गया और इस तरह से जो अपीली प्राधिकारी है उसके द्वारा स्थायी आदेश के प्रमाणीकरण पर एक अंतिम निर्णय लिया जाता है धन्यवाद